यहाँ पे जितने भी मिस्त्री देख रहे हैं ना, ये सारे हैं कटिहार जिला के, और ये जो बना रहे हैं ये खगड़िया का है ना शिविर, खगड़िया का शिविर है। और सभी को ये भी खाना वगैरह खा रहे हैं, उसके बाद पूरा इस पर काम लगा। टेंट हाउस दुर्गा टेंट, कहाँ का है टेंट हाउस? खगड़िया, वो खगड़िया का है, टेंट हाउस भी खगड़िया का है। और जो पूरा लगा, अच्छा ये बता सकते हैं पूरा कितने एरिया में बना हुआ है? हाँ कितना? 100 बाई 90। 100 बाई 90। हर हर महादेव, जय शिव जय भोले बाबा। तो दोस्तों अभी हम हैं जिलेबिया के थोड़ा सा पीछे, और अगर आप इधर से जाएंगे तो जिलेबिया आपको पहाड़ मिलेगा। तो हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि एक यहाँ पे शिविर लगता है। वो कौन सा शिविर है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो, ये शिविर है जो कि एक बड़ा सा शिविर बना है इस जगह का बोल सकते हैं। और इस शिविर का नाम है निःशुल्क सेवा शिविर खगड़िया। ये खगड़िया का सेवा शिविर है जो कि बेहतर तरीके से इसको अभी तैयार किया जाएगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, और इनको कंप्लीट होने में लगभग बोल सकते हैं ये भैया बोल रहे हैं कि 30 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या सुविधाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरे शिविर को अच्छे तरीके से दिखा दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर है ज़रूर सपोर्ट करें। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको शिविर को दिखाता हूँ। ये है खगड़िया सेवा शिविर। तो अभी इसमें जो है पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, इसमें अभी तैयारी चल रहा है। मतलब कि ऊपर जो है तिरपाल वगैरह लग चुका है, और नीचे जो है ये सीलिंग वगैरह लग रहा है। और यहाँ पे जो है ना, इस तरह का जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, इसमें पानी वगैरह शायद रहता है, गर्म पानी आराम से इसमें जो है सब कोई पैर नीचे लगा के बैठ सकते हैं, तो इसमें गर्म पानी रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीलिंग वगैरह लगा हुआ है, और अभी पूरा अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तैयार होने वाला है। और आगे हम आपको दिखाएंगे उधर जो दुकान बन रहा है। और यहाँ पर जो है आपको शौचालय वगैरह ये सारा सुविधा आपको मिलेगा, शौचालय वगैरह है, और भी क्या क्या सुविधा है तो वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है ये सब मिस्त्री है जो कि अभी काम कर रहे हैं, अभी यहाँ का कोई मालिक नहीं है, तो मिस्त्री सबको भी कुछ कुछ पता है तो वो बताएंगे। इधर जो है हम आपको दिखाते हैं, इधर ही है ना वो शौचालय। अच्छा, और यहाँ पे अगर दीवार में आप देखें तो इस सब में पूरे में जो है झरना लगेगा। इधर जो है थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा है, लेकिन आपको पूरा साफ सुथरा सावन में दिखने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है इसमें आपको इसमें झरना देखने को मिलेगा। ये पूरा इसमें बाहर में स्नान कर सकते हैं। और ये जो अभी गेट बंद है, इसके अंदर जो है शौचालय है जो कि इसमें जा सकते हैं। ये गेट वगैरह जो है इस बार हमको लगता है इसको तैयार किया गया है, शायद कुछ टूटा हुआ होगा तो इस बार इसको तैयार किया गया। अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय है, और भैया सब वहाँ पर खाना खा रहे हैं। उसके बाद हम उनसे और भी जानकारी लेंगे क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी मिस्त्री देख रहे हैं ना, ये सारे हैं कटिहार जिला के, और ये जो बना रहे हैं ये खगड़िया का है ना शिविर, खगड़िया का शिविर है। और सभी को ये भी खाना वगैरह खा रहे हैं, उसके बाद पूरा इस पर काम लगा। टेंट हाउस दुर्गा टेंट, कहाँ का है टेंट हाउस? वो खगड़िया का है, टेंट हाउस भी खगड़िया का है। और जो पूरा लगा, अच्छा ये बता सकते हैं पूरा कितने एरिया में बना हुआ है? हाँ कितना? 100 बाई 90। 100 बाई 90 में बना हुआ है। और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या मिल सकता है? प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम होगा ना, खाना पीना बनेगा, खाना पीना और डॉक्टर वगैरह सब रहेगा। और यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, ये कोई सिंगर आएंगे या कुछ लोग? सिंगर और डांसर ना, तो ये मुंगेर से सारा ना, तो यहाँ पे आपको सिंगर डांसर ये सारा जो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। वैसे हमको भी लग रहा है कि जिस तरह का ऊपर जो बनाया गया है तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक फंक्शन टाइप का भी होगा। और यहाँ पे पूरा जो है बेड वगैरह आपको लगा हुआ रहेगा, आप आराम से यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और वो जो बना हुआ कुछ उस तरह का टब वगैरह, हमको लगता है गर्म पानी रहेगा ना, हाँ अपना पैर वगैरह उसमें रखें। जी जी गर्म पानी। तो भैया साहब अभी देखिए खिचड़ी और क्या खा रहे हैं भैया? भुंजिया ना, खिचड़ी और भुंजिया खा रहे ना। चलिए तो भैया साहब भी खाना खा रहे हैं, हम आगे आपको दिखाते हैं दुकान वगैरह। इस जगह जो है और भी दुकान है क्या नहीं वो हम आपको ये देख सकते हैं। जो दुकान है इधर भी बन रहा है, ये मतलब कि आपको शिविर भी मिल जाएगा और दुकान भी। देखिए ये साइड आपका दुकान बन रहा है, और यहाँ पे आप रुकिएगा ना, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत जाने का मन नहीं कर रहा। और मौसम जो इतना सुहाना है ना, बारिश होने की वजह से काफ़ी सुहाना हो गया।
और ये जो दिख रहा है ये ऊपर में, इसमें लगेगा श्रावणी मेला 2023, और इधर एक नीतीश कुमार और एक जो है हमारा तेजस्वी यादव का जो है फोटो लगा हुआ रहेगा। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे एक दुकान बन रहा है और ये बन के भी कंप्लीट हो जाएगा, और इधर भी जो है एक दुकान आपको मिलेगा। सावन में जो है ना बहुत ही मज़ा आएगा ये जगह जो है बहुत सुंदर जगह है और आनंदमय जगह है। और जब हम लोग आते थे उस समय जो है ना पूरा जो है एकदम वीरान जैसा लगता था, लेकिन आज जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें चलने में भी। देख सकते हैं इधर भी जो है भैया सब दुकान अभी बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, और आगे हम आपको दिखाते हैं आगे भी और भी दुकान बन रहा है। तो बहुत बेस्ट जगह है, और वीडियो को लाइक भी करते जाएं, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो है कि कैसा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दुकान, ये देख सकते हैं ये बना हुआ है पूरा, ये फिनिश अभी नहीं हुआ है, ये फिनिश हो जाएगा। और आगे भी चलते हैं दिखाते हैं, देखते हैं बालू वगैरह तो बिछा हुआ आपको पीछे दिख ही रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए सावन अब जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो कवरिया को किसी तरह दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे रात हो या दिन हो वो कभी भी इसमें आएंगे तो उसको कहीं पे किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि हर जगह जो है दुकान लगा हुआ है, जगह जगह पे आपको फ्री सेवाओं के लिए शिविर लगा हुआ है, शौचालय आपको है, और हर चीज़ है। अभी एक चीज़ और हम बता दें कि बहुत सारे पूछ रहे हैं रेट क्या है, खाना पीना का भी रेट नहीं दिया गया है। तो इधर देख सकते हैं इधर भी जो है ना एक बनने वाला है शिविर, आप देख सकते हैं, और ये दुकान तो अभी नहीं बना हुआ है। आगे चलते हैं, आगे जो है आगे भी हमारा इस तरह का जगह है, तो आगे दिखाते हैं आगे कहीं पे होगा तो वो हम आपको दिखाएंगे। और एक भैया बताएं कि आगे भी एक शिविर बन रहा है, तो उसको देखते हैं कहाँ पे शिविर बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बांस गिरा हुआ है, इस जगह दुकान बनेगा, अभी दुकान नहीं बना हुआ है। और ये जगह नेचर कैसा लग रहा है आप हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत ही बोल सकते हैं मौसम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आगे दिखाते हैं। अभी हम चलना स्टार्ट किए हैं वो जो आपको दिखा है खगड़िया जो शिविर था उसके कुछ दूर के बाद, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी जिलेबिया में ही है। जिलेबिया के आगे जो है ये रास्ता देख रहे हैं कितना कहाँ का बन रहा है, ये देख सकते हैं इधर भी दुकान बन रहा है, इधर भी बन रहा है दुकान। ये मतलब कि 1-2 तारीख तक ना 3 तारीख तक सारे दुकान जो है फिनिश हो जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ पे देखें पथ पे भी पूरा जो है बालू बिछ चुका है, और बहुत ही मनमोहक लग रहा है ये जगह, इतना खूबसूरत जगह है, और सावन में इतना आनंद आने वाला क्या बताएं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ को एकदम बेहतर तरीके से दिखाऊं, और कहाँ कहाँ दुकान लगा हुआ ये तो जगह बहुत बेहतर है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से सब जगह दुकान बन रहा है। और आगे ले चलेंगे हम आपको, आगे भी आपको दिखेगा कि दुकान बन रहा है और बालू भी बीछ गया है। और सबसे खास बात यह है कि बारिश इतनी हुई है कि बारिश की वजह से बालू जो बैठ गया है ना, जो आपको चलने में जो आनंद आएगा क्या बताएं, एकदम मखमल जैसा आपको फील होने वाला है। बालू जैसे कि गिरा दिया गया था, पानी नहीं पड़ा था तो वो थोड़ा सा फील नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है ना आपको बहुत ही आनंद आएगा, किसी तरह का पाँव में ना छाला भी नहीं पड़ेगा, और किसी तरह का आपको पेन भी नहीं होने वाला। बहुत अच्छा हुआ भोले बाबा की कृपा से जो है बारिश हुई है। और एक चीज़ बता दें, ये बारिश होने का रीज़न भी है जो हमारे बासुकीनाथ में जो मतलब कि सूख गया था ना आपका बोल सकते हैं तालाब, तो उसको ये जो शिवगंगा सूख गया था उसके लिए एक पूजा किया गया था जिसके कारण कि बारिश हो, और उसके वजह से बारिश हुआ है। बासुकीनाथ बाबा ने सुन लिया है कि बारिश हो गया है, तो देख सकते हैं कितना मनमोहक है। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे आगे बारिश हुआ कि नहीं, दुकान बनाए कि नहीं, वो पूरा हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देख सकते हैं ये मोड़ है जो, ये पक्की में चलेंगे, इधर हम लोग कच्ची में चलेंगे। और इस बार क्या किया गया, ये चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया था ताकि आप रोड पर ना जाएँ, किसी तरह का आपको क्षति ना हो, और हर जगह जो प्रशासन रहेगा आपको एकदम निश्चित, और ये दुकान जो है ना हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो फ़ोन पे नंबर दिख रहा है ज़रूर आप सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खर्च हो जाता है हमें आने में, और हम लोग एक नहीं दो आते हैं हमेशा के लिए, तो प्लीज़ इसलिए जरूर सपोर्ट करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव में लिखें जय शिव जय भोले बाबा, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जय शिव जय भोले बाबा।
तो दोस्तों ये था हमारा जलेबिया का वीडियो, कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी कहीं का आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। और किसी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो जितनी सहायता कर सकूँ। तो ये देख सकते हैं हर जगह कलर वगैरह भी हो गया है। अब इस सुरंग से हम लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही यहीं पर कम्प्लीट करते हैं वीडियो को। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।